So good morning everyone. Once again, I Priya Mahindraj welcome you all at Mahindraj Official YouTube channel. एक बार में फिर से आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत करती हूँ महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे. सो वी आर बैक लाइव एट SSC की पाठशाला. भैया एक बार फिर से यहाँ पर हम मिल चुके हैं कहाँ पे SSC की पाठशाला पे और टाइम हो चुका है इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग. 10 बज चुके हैं सुबह के और आपको पता है कि 10 बजे आपकी और मेरी मुलाकात होती है कहाँ पे SSC की पाठशाला पे क्योंकि ये है SSC की बात प्रिया मैम के साथ है ना. तो चलो जल्दी से मुझे बता दो हु ऑल हैव कनेक्टेड विद मी कौन कौन मेरे साथ आ चुका है ये बात मुझे जल्दी से जाननी है. एंड लेट मी ऑल्सो टेल लेट यू पीपल टेल मी दैट वेदर आई एम प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल और नॉट. मैं प्रॉपरली बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रही हूँ कि नहीं और सुनाई दे रही हूँ कि नहीं. अगर दोनों चीजें ओके है बढ़िया बढ़िया है एक बार कमेंट कर दो. यस मैम एवरीथिंग इज एकदम चकाचक चौकस कोई भी दिक्कत नहीं है. अच्छा सो व्हाट इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. आपको जैसा कि मैंने वादा किया था मैं अपने वादे पर पक्की खरी उतरी हूँ. हमारा आज का टॉपिक क्या है वी विल लर्न फ्रेजल वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ मीन्स है ना. फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मीन्स है ना. फ्रेजल वर्ब देखो फ्रेजल वर्ब व्हाट इज फ्रेजल वर्ब पहली बात तो जानने की जरूरत है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है. ठीक है देखो जब भी व्हेनेवर वी ऐड है ना व्हेनेवर वी ऐड प्रेपोजिशन विद अ वर्ब देन दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. और फ्रेजल वर्ब इतना मतलब इतना तगड़ा दिल का दर्द है इंग्लिश में एक ऐसा ये टॉपिक है इतना सीरियस दिल का दर्द है कि क्या बताया जाए समझ ही नहीं आता कब ऑन लगना है कब इन लगना है कब एट लगना है ना. अगर आपको डाइड इन डाइड ऑफ डाइड फ्रॉम का डिफरेंस नहीं पता एग्जाम में इफ यू रियली डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइड ऑफ डाइड इन डाइड ऑफ तो एग्जाम में सब अच्छा लगेगा. डाइड इन भी अच्छा लगेगा डाइड ऑफ भी अच्छा लगेगा डाइड फ्रॉम भी अच्छा लगेगा और जो गलत होगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा. आई कैन गारंटी जो गलत होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है ना. एकदम साफ है. चलो देखिए कौन कौन आ गया है. मृणाल जाना सिद्धार्थ देवती श्वेता तिवारी सौरभ जलान सुधा कुमारी कुसुम यादव जीतू कुमार श्रेया घोष श्रेया गुप्ता. गुड मॉर्निंग एवरीवन तुम सभी को बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दैट डे विद अ मोटिवेशनल कोट एज वी डू ऑन रेगुलर बेसिस. कोट आज का क्या कहता है. इमेजिन विद ऑल योर माइंड बिलीव विद ऑल योर हार्ट एंड अचीव विद ऑल योर माइंड है ना. मतलब सोचो जितना तुम सोच सकते हो भरोसा करो जितना तुम अपने दिल से किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो और अचीव करो जितना तुम्हारी लिमिट है आखिरी तक की. सो एज आई ऑलवेज से जस्ट हैव सम ट्रस्ट इन मी हैव सम ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स. थोड़ा मुझ पे और थोड़ी मेरी बातों पे भरोसा रखिए और जितना मैं जैसे जैसे कह रही हूँ उसको वैसे वैसे पढ़ते जाओ. यू विल अल्टीमेटली रीच योर गोल दिस इज माय गारंटी. ठीक है चलो आगे बताया जाए. दिस इज माय FB पेज इंग्लिश में प्रिया से आप ज्वाइन कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे 20_ उपाध्याय या प्रिया उपाध्याय से सर्च कर लेना आराम से मिल जाते हैं. इफ यू वॉन्ट PDF एंड इफ यू वॉन्ट क्विज ऑन रेगुलर बेसिस लाल मेरे दिल के टुकड़ो. अगर तुम लोग को डेली PDF चाहिए मेरे सेशन की और डेली क्विज करनी है तो प्रिया मैम के टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे आना पड़ेगा. इंग्लिश फाइव प्रिया और इंग्लिश फाइव प्रिया उपाध्याय में कोई स्पेस नहीं है सब कुछ स्मॉल में है. इंग्लिश का ई कैपिटल मत करना यू पीपल यूजुअली मेक दिस मिस्टेक. ठीक है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ द्विवेदी लवली शर्मा अनु कुमारी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. स्केड्यूल बता दें मंडे टू सैटरडे आपकी और मेरी मुलाकात होती है सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती है आपके साथ एकदम YouTube पे. फिर 10 बजे हम लोग सुबह मिलते हैं YouTube पे SSC की पाठशाला पे विच इज दिस सेशन. फिर रात को 8:30 बजे आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आते हो क्विज के लिए. उसके बाद इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी इन अदर टाइम स्लॉट्स एंड यू हैव टू ज्वाइन माय पेड कोर्स. आपको मेरा पेड कोर्स लेना पड़ेगा. नॉट ओनली आई बिलीव यू बट हैव फेथ. थैंक यू सो मच विशाल थैंक यू सो मच. तो जल्दी से बता दो whether everyone is ready for the quiz or not. Whether everyone is ready for the session or not. सब लोग session के लिए ready हो कि नहीं जल्दी जल्दी से बता दो है ना. जल्दी जल्दी से बता दो फटाफट से everyone जल्दी से tell me whether everyone is ready for quiz or not. जल्दी से बोल दो yes ma'am ready है. नहीं ready हो तो बोलो no ma'am नहीं ready. अभी मुहूर्त नहीं आया है सही. जल्दी से बता दो फटाफट से. पेन कॉपी लेके बैठना. आज कुछ नहीं करना दिमाग पे लोड नहीं लेना. दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं लेना क्योंकि वैसे ही तुम लोग का दिमाग पढ़ते पढ़ते खिसक करके किडनी में और पैर के घुटनों में चला गया है. ठीक है तो बस आज एंजॉय करना है समझते जाना है चीजों को रिलेट करते जाना. ठीक है आदित्य कह रहे यस मैम रेडी. मनोरमा सुशील रेणुपाल विशाल सिद्धार्थ कुसुम यादव स्वाति श्रीमती शुक्ला अनिमास दास विनय पांडे एवरी वन इज सेइंग यस मैम वी आर रेडी सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. पहला आपका पहला टुडे द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ऑक्शन ऑफ. ऑक्शन ऑफ मतलब देखो क्या होता है मतलब टू सेल समथिंग एट एन ऑक्शन. ऑक्शन मतलब क्या जब आप नीलामी में कोई चीज बेच देते हो ना. व्हेन यू सेल समथिंग एट नीलामी जब आप नीलामी पे ऑक्शन में कोई चीज बेच देते हो दैट इज कॉल्ड ऑक्शन ऑफ. ठीक है जैसे एग्जांपल देखो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑक्शन ऑफ एयरपोर्ट एट वेरियस सिटीज.
जो सरकार है हमारी वो प्लान कर रही है क्या, बहुत सारे एयरपोर्ट, कई कई शहरों के एयरपोर्ट्स को नीलामी में बेचने का, है ना। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स इन वेरियस सिटीज। बहुत सारे शहरों में सरकार प्लान कर रही है कि हम एयरपोर्ट को क्या कर दें, प्राइवेटाइजेशन कर दें उसका, ठीक है। तो देखो इस पे ये क्या कह रही है निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर वित्त मंत्री, क्या कह रही है, रेलवे बेच दूंगी, एयरपोर्ट बेच दूंगी, LIC बेच दूंगी, बैंक भी बेच दूंगी, तू क्या पढ़ रहा है, तुझे भी बेच दूंगी, ठीक है। तो मैं सब कुछ बेच दूंगी उठा करके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। विशाली सिंह, हाँ मैम, नाइस नाइस वन, ठीक है, आ गया समझ में, इतना समझ आया कि नहीं, पक्का पक्का से बोलो यस मैम, समझ आती जाएगा तो बोलते जाना है यस मैम, और सेशन को जल्दी से लाइक कर देना है, लाइक किए बिना शुभारंभ नहीं किया जाता, पाप चढ़ता है, समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी से सेशन को लाइक करना है, कंपलसरी अनिवार्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इज बैगआउट। बैगआउट मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज समवन, जब आप किसी चीज की आलोचना, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की आलोचना करते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड बैगआउट। क्या कहा जाता है उसको, बैगआउट कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ऑलमोस्ट एवरी नेशन बैगआउट चाइना फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ऑलमोस्ट हर देश क्या कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है चाइना की, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने कोरोना वायरस को फैला दिया है, ठीक है। क्या गजब मीम बनाए हैं आपने, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ऑफ क्या था, कोई चीज बेस्ड है ना, बैगआउट इज व्हाट, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको हम आलोचना करते हैं, क्या कहते हैं उसको, बैगआउट कहते हैं, ठीक है। तो हर पूरे मतलब आजकल सारे नेशंस क्या कर रहे हैं, चाइना की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कर दिया, फैला दिया है कोरोना वायरस को, फैला दिया है। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन की अगली सुनवाई, मतलब सुनवाई भी अब लॉकडाउन की हो रही है, ठीक है। लॉकडाउन की अगली सुनवाई कैसे, इतने तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा, फिर इतने तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा, फिर इतने तक बढ़ा, फिर मार्च तक, अप्रैल तक, मई तक, जून तक, जुलाई तक, अगस्त तक, अभी पता नहीं कितना बढ़ेगा, है ना। तो लॉकडाउन की अगली सुनवाई कब जब होगी तो बताया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या है, बार्गेन। बार्गेन मतलब क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखो मस्ती मजाक की बात अलग है, मीम से पढ़ा रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, पर एक बात समझना, ये सारे के सारे आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं, दीज ऑल मीम्स आई हैव टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सतर्क होकर के इसको, बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, यू नीड टू फोकस इन द सेशन। बार्गेन मतलब क्या होता है, टू इंट्रूड, टू एंटर। इंट्रूड मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं, टू एंटर और इंटरप्ट सडनली एंड विदाउट इनविटेशन। जब आप बिना बुलाए कहीं पर भी धड़धड़ाते हुए घुसते चले आओ, है ना। जैसे कई लोग की आदत होती है कि मान लो मेरे यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है, मैंने उसको बुलाया नहीं, उस व्यक्ति को बुलाया नहीं, इन्वाइट नहीं किया, तब भी चले आएंगे मुंह उठा करके, है ना। जैसे मान लो चार लोग बैठ के कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कई लोग अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं बैठ करके, मतलब बिना पूछे भी, है ना, वो लोग अपनी कोई ना कोई ओपिनियन देंगे ही देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बार्गेन का, ऐसे लोगों की जो हरकत होती है उसको क्या कहा जाता है, बार्गेन कहा जाता है। इंट्रूड मतलब होता है क्या, टू एंटर समवेयर विदाउट परमिशन और सडनली। जब आप कहीं पे एंटर कर जाते हो बिना अनुमति के सामने वाली व्यक्ति की, या फिर बिना इन्विटेशन के, बिना निमंत्रण के, तो उसको क्या बोलते हैं, बार्गेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बार्गेन से याद आया एक और फ्रेज होता है आपका, गेट क्रैश। गेट क्रैश भी इसी से रिलेटेड ही होता है। गेट क्रैश मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली गेट क्रैश लगाएं तब, जब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अगर होते हैं, जो हॉस्टल अगर आकर खाना खा खा के खराब से परेशान हो गए होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं शादी वादी हो रही होती है ना, तो ऐसे उसमें बिना बुलाए चले जाते हैं किसी के साइड से भी, कि कोई पूछेगा कौन, तो बोल देंगे लड़की वालों के साइड से, लड़के वालों के साइड से कुछ भी बोल देंगे ना। तो जब आप ऐसे अचानक से कहीं पर घुस जाते हैं ना किसी पार्टी वार्टी में, उसको भी क्या बोलते, उसको भी गेट क्रैश कहते हैं, ठीक है। तो बार्गेन क्या है, कहीं पर बिना इन्विटेशन के जाना, और गेट क्रैश क्या होता है, आप मस्ती मजाक में कहीं पर घुस गए, ठीक है। जैसे अगर आपने फ्यू पीपल हैव सीन थ्री इडियट मूवी, तो थ्री इडियट मूवी में क्या, वो तीनों दोस्त लास्ट में किसी की शादी में जाते हैं ना, और बोल देते हैं कि हम तो लड़के वाले के साइड से, तो दैट इज कॉल्ड आपका गेट क्रैश, ठीक है। जैसे हम लोग इन कमेंट बॉक्स, बिल्कुल विशाल पर पीपल स्टूडेंट्स आर वेलकम इन माय सेशन, है ना। तो एग्जांपल क्या है, मिस्टर बार्गेन इन द पार्ले। पार्ले मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। पार्ले मतलब क्या होता है, पार्ले जी बिस्किट से याद रखना, पार्ले कॉन्फ्रेंस मीटिंग, मीटिंग में पार्ले जी बिस्किट खाते खाते हमने पार्ले करी, मीटिंग करी, ऐसे याद रखना। मिस्टर ट्रंप बार्गेन इन द पार्ले एंड मेड अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट ऑन द इशू ऑफ इंडिया एंड चाइना LAC स्टैंड ऑफ। क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने पार्ले किया, मतलब उन्होंने बार्गेन किया, मतलब वो बिना बुलाए, बिना उन्होंने कुछ कहे, अपनी बिना निमंत्रण किए, बिना उनसे पूछे उन्होंने अपनी राय प्रकट कर दी मीटिंग में, और एक अनएक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी, किस चीज के ऊपर, इंडिया और चाइना LAC स्टैंड ऑफ के ऊपर, ठीक। इंडिया और चाइना LAC स्टैंड ऑफ के ऊपर, ठीक। तो क्या समझ आया हमें,
कि मिस्टर ट्रंप ने बिना निमंत्रण के एक स्टेटमेंट दिया चाइना और इंडिया एलएसी मुद्दे पे, जो कि मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बागेन कहते हैं। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं? यस या नो में जल्दी से बोलो, यस बोलो, वरना फिर बोलो नो मैम नहीं समझ आ रहा, वरना बोलो मैम सब समझ आ रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, नमस्ते हो गया, बहुत बढ़िया वाला नमस्ते हो गया, ठीक है। मोहम्मद सबाब कह रहे हैं हाउ आर यू, अखिल अलोक इज सेइंग गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हो गया भैया, जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि नहीं, फटाफट से आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, अदरवाइज फिर मुझे कैसे समझ आएगा तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो, बैशअप मतलब क्या होता है, देखो बैशअप समझो, टू असॉल्ट समवन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी, है ना। जब आप किसी को प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो, एकदम सुधा कह रही है मैम चौका समझ आ रहा है, ठीक है। जब आप किसी को परेशान करते हो इस इंटेंशन के साथ, इस भावना के साथ कि हमें उसको फिजिकल इंजरी पहुंचानी है, मतलब देखो दो, एक तो मेंटल इंजरी होती है, आपने किसी को मेंटली रूप से बहुत परेशान कर दिया, ठीक है। एक होता है आपका क्या, आपकी इमोशनल इंजरी होती है, आपने इमोशनली किसी को कष्ट दिया, है ना। एक होती है फिजिकल इंजरी, मतलब आपने फिजिकली किसी को इंजरी दी है, ठीक है, उसको मारा पीटा ऐसे करके, ठीक है। सिद्धार्थ इज सेइंग आज अमेरिका में वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है, क्या बात है, ठीक। अच्छा, आगे बात सुनो, तो बैशअप क्या है, टू असॉल्ट समवन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी, जब हम किसी को फिजिकल इंजरी पहुंचाने के मोटिव से ही जा करके उसको परेशान करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बैशअप कहा जाता है, ठीक है। आगे बात सुनो, एग्जाम्पल क्या है, टूडे अ हीरो डज नॉट नीड टू बैशअप 10 पीपल टू प्रूव दैट ही इज अ हीरो, विद्या बालन, विद्या बालन ने, विद्या बालन आप जानते होंगे, है ना, विद्या बालन ने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में दिया कि आज के मूवीज के जो हीरो हैं, आज के मूवी में जो हीरोज होते हैं, उन लोगों को किसी को फिजिकल इंजरी पहुंचाने की या धुड़ुम धड़ाम करने की जरूरत नहीं होती है, ये प्रूव करने के लिए कि वो हीरो हैं, है ना। उनके कैरेक्टर से, उनके एक्शन से, उनकी बातों से समझ आ जाता है कि नहीं ये लोग क्या है, ये हीरो हैं, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो विद्या बालन ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि आजकल के हीरोज को बैशअप करने की, मतलब किसी को फिजिकल इंजरी करने की, डिशम डिशम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस पे देखो क्या, साउथ इंडियन मूवीज हम लोगों ने देखी हुई, ऐसे क्या होता है बस एक किक मारी पूरी ऐसी गाड़ियां वाड़ियां उड़ने लगती है ना, तो ये क्या है, ही इज अ हीरो एंड ही इज बैशिंग अप, ही इज बैशिंग अप अदर पीपल, ये क्या कर रहे हैं, बैशअप कर रहे हैं, ठीक है। आज बहुत मारूंगा किसी को, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैम, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ देखो सुमेंद्र, ये जो येलो बॉक्स है ना, यहाँ मेरा टेलीग्राम लिखा है, यहाँ पे आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है। मैम प्रीवियस लेक्चर कहाँ से मिलेगा, मैम सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट यूट्यूब, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, गजल इसकी पीडीएफ यहाँ येलो बॉक्स में जो टेलीग्राम है ना मेरा, इस पे मैं सेंड कर दूंगी, ठीक। आगे बात सुनो, ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट मतलब क्या होता है, टू से सडनली विदाउट थिंकिंग, जब आप मतलब बिना सोचे समझे उलूल जुलूल कुछ भी बोल देते हो, है ना, वेन यू मेक इलॉजिकल स्टेटमेंट विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लर्ट आउट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लर्ट आउट कहते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या है, ब्लर्ट आउट मतलब क्या, जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी कहो, इसकी एग्जाम्पल क्या है, समटाइम्स मिस्टर गांधी ब्लर्टेड आउट समथिंग इलॉजिकल एट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कभी क्या मिस्टर गांधी क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, ब्लर्टेड आउट नहीं, इट हैज टू बी ब्लर्ट आउट, है ना, कभी कभी मिस्टर गांधी क्या करते हैं, इलॉजिकल स्टेटमेंट दे देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, वॉट यू पीपल थिंक, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप बताओ आप क्या सोचते हो, मतलब वेदर दिस एग्जाम्पल दैट आई हैव क्रिएटेड इज करेक्ट और नॉट, वो क्या आप सोचते हो, आपके व्यूज जो है वो बिल्कुल किडनी पे नहीं लेना, अगर समवन इज सपोर्टर ऑफ मिस्टर गांधी, ठीक है। तो ये समझो, तो जैसे देखो क्या, ब्लर्ट आउट बेसिकली व्हाट, जब हम बिना सोचे समझे उलू जुलू कुछ भी कहते हैं, तो मिस्टर गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभी कह देते हैं, जैसे इन्होंने क्या कहा था, इधर से आलू घुसेगा और उधर से सोना निकलेगा, मतलब आलू से सोना बनाने की बात कही थी ना, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, कि यार मतलब पूरी साइंस फेल कर गई, साइंस फेल कर गई एकदम, आलू से सोना बन रहा है बताओ, ठीक है, तो आलू से सोना बनाऊंगा, तो ये क्या, ये लॉजिकल बात थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे थे ये। आदर्श कह रहे अरे मजा आ रहा है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी तुम लोग को पढ़ाने में बहुत मजा आती है, ठीक है। राहुल गांधी यस सो आई एम करेक्ट, ही इज फेमस फॉर ब्लर्टिंग आउट, नीलिमा कह रही मैम राहुल गांधी इज फेमस फॉर ब्लर्टिंग आउट, एग्जैक्टली जैसे वो क्या क्या कहते हैं यार, कि मैं इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, पता नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एक तो नहीं कहा जा सकता, बहुत ही सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, है ना। तो चलो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इज बेल आउट, बेल आउट मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, टू रेस्क्यू स्पेशली फिनेंशियली, जब आप किसी को बचाते हो, रेस्क्यू करते हो स्पेशली फिनेंशियल टर्म्स में, है ना, स्पेशली कैसे फिनेंशियल टर्म्स में, आर्थिक रूप से जब आप किसी को बचा ले जाओ, उसको क्या कहते हैं, उसको बेल आउट कहते हैं, ठीक है। मोनू यादव इज सेइंग मैम प्लीज एक बार नाम ले लीजिए, बिल्कुल मोनू तुम्हारा नाम मैंने लिख लिया, ले लिया है। अनिमास दास इज सेइंग डूइंग मिस्टेक आर नेचर ऑफ ह्यूमन, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली गलती करना तो मानव का क्या है, स्वभाव है, बिल्कुल सही बात है, गलतियां इंसान से ही होती है ना। चलो
तो बेल आउट इज वॉट, जब हम किसी को आर्थिक रूप से बचा ले जाएं, टू रेस्क्यू समवन स्पेशली फाइनेंशियली, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बेल आउट. एग्जाम्पल देखो, वंस अगेन द बैंक गॉट इटसेल्फ इन ट्रबल एंड गवर्नमेंट हैड टू बेल इट आउट. एक बार फिर से जो हमारे यहाँ के बैंक्स हैं, उन्होंने क्या अपने आप को मुश्किल में डाल लिया, ट्रबल में डाल लिया, और अभी सरकार को क्या करना पड़ रहा है, अब सरकार को उन्हें कैसे ना कैसे करके बचाना पड़ेगा फाइनेंशियली. फाइनेंशियली जो उनका नुकसान हुआ है, जो बैंक्स ने, देखो कैसे होता है मैम, ये क्या पढ़ रहे हैं, सो दैट वी आर लर्निंग फ्रेजल वर्ब्स दैट यूजुअली आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन. जबकि एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती है, वही सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे देखो कैसे फाइनेंशियली बैंक ट्रबल में कैसे आता है, देखो थोड़ा समझो. होता क्या है कि बैंक ने लोन दिया लोगों को, जैसे नीरव मोदी होती जैसे लोग भैया करोड़ों रुपए लेकर के भाग जाते हैं. नॉर्मली भी यूजुअली लोगों को बैंक ने लोन दिया, ठीक. अब लोन देने के बाद क्या होता है, वो रिकवरी नहीं कर पाते, कई लोग पैसा दे वापस नहीं लौटाते बैंक का, ठीक है. तो होता क्या है कि कई बैंक उसकी रिकवरी नहीं कर पाते. अब रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो वो अपना बजट जो उनका ईयरली टारगेट था उससे तो नीचे चले जाएंगे कि नहीं, मतलब वो नुकसान में जा रहे हैं. तो नुकसान में जाने का ही मतलब क्या होता है, जब आप आर्थिक रूप से कोई नुकसान में जा रहा है और उसको बहा ले आओ, उसको खींच लो, उसको बचा लो, रेस्क्यू कर लो, सो दैट इज बेल आउट. ठीक है, बिल्कुल मोनू तुम्हारा नाम ले लिया है. आदत बहुत खराब है, आदत लोगों की खराब है. आज मैंने दोस्त का रिचार्ज करवाया, बचा लिया उसको. हाँ आदर्श, तुमने उसको बेल आउट कर दिया. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या था, एक बार फिर से बैंक्स ने अपने आप को ट्रबल में डाल लिया, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा. तो इसमें क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट टू नीरव मोदी, गवर्नमेंट सरकार जो है हमारी, वो नीरव मोदी से क्या कह रही है, प्लीज रिटर्न द मनी एंड बेल अस आउट. भैया हमारा पैसा हमको लौटा दो, जो तुम इंडिया से पैसा लेके भागे हो उसको लौटा लो. और जो हमारी जीडीपी नीचे गिरी जा रही है, जो हमारे देश में पैसे की इतनी कमी आई जा रही है, उसको क्या, उससे हमको बाहर निकालो. ठीक है, तो गवर्नमेंट नीरव मोदी से, व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, भैया हमारा जो पैसा लेके भागे हो वापस करो और हमें बचाओ फाइनेंशियली रूप से. ट्रंप एयरलाइंस बेल आउट. मोनू कह रहे मैम मुझे भी ध्यान दीजिए. अरे भैया मोनू ध्यान दे दिया क्या, तुम किडनी पे काहे लेते हो, किडनी पे नहीं लेना है मेरे लाल, किडनी पे नहीं लेना है. ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ जल्दी जल्दी से, देखो फटाफट से बोलो इतना समझ आया कि नहीं, पहले यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से यहां तक बोलो यस या नो, फटाफट से बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. जीवन किशोर तुम्हारा भी नाम ले लिया है, ठीक, जल्दी से बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. इफ यू हैव एनी डाउट देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यार बिना मतलब हेजिटेशन के कोई भी कमर पैड जोड़ों में दिल में दर्द है, कुछ नहीं समझ आ पा रहा, पूछो, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रपोजिशन इधर से उधर होती है और पूरी फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बदल जाती है. बेल इन की जगह आउट हुआ तो बस मीनिंग पूरी बदल गई. ठीक है, थैंक्स मैम. सिद्धार्थ कह रहे हैं यस मैम. लवली शर्मा सिंह समझ आ गया. मनोरमा कह रही है मैम समझ आ गया है, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से सेशन को इसको शेयर करो. यू पीपल हैवंट शेयर द सेशन, आई नो वेरी वेल, तुम लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दो, अपने दोस्तों को जल्दी से बुला लो, और सेशन को लाइक भी करना बहुत जरूरी है, लाइक करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बढ़िया, चौका समझ आ रहा है मैम, बहुत ही बढ़िया बात है. अनमोल त्रिपाठी, आई हैव ऑलरेडी टेकन योर नेम. ठीक है, कतई जहर. दानिश कह रहे हैं कतई जहर, तुम लोग कैसे कैसे बोलते हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए. यस आई हैव अ डोन, डोन मतलब Mercedes. PDF अमित कुमार, यू विल गेट द PDF एट माई टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. ये येलो बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है उसको तुम क्या कर लेना, उसको कर लेना भैया, ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF दे देंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, बॉल आउट. नेक्स्ट इज बॉल आउट. बॉल आउट मतलब क्या होता है, वो बेल आउट था, दिस इज बॉल आउट. ठीक है, बॉल आउट क्या होता है आपका, टू डिलीवर अ लाउड हार्श स्कोल्डिंग और लेक्चर टू रिप्रिमेंड. रिप्रिमेंड मतलब पता है क्या होता है, रिप्रिमेंड मतलब होता है किसी को ऐसे डराने के लिए, है ना. जैसे कहते नहीं है कि गजल आई एम फ्रॉम लखनऊ, कहते नहीं कि आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू पीपल, है ना, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू पीपल, आई एम जस्ट रिप्रिमेंडिंग यू द रियलिटी. मैं तुम लोग को डरा नहीं रही हूँ, बस सच्चाई से वाकिफ करा रही हूँ. ठीक है, तो जब आप किसी को डराते हो, धमकाते हो, बहुत जोर से डांट दे देते हो, या फिर बहुत जोर से उसको लेक्चर देने लगते हो चिल्ला चिल्ला करके उस इंसान को डरवाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉल आउट. बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर बेटर इंग्लिश, थैंक यू सो मच खाने न्यात. ठीक है, तो नया में क्या रखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्या बात है विनय पांडे. तो बॉल आउट इज वॉट, टू डिलीवर अ लाउड हार्श स्कोल्डिंग और लेक्चर टू रिप्रिमेंड. जब आप किसी को बहुत ज्यादा डरा धमका देते, जैसे मान लो कि तुमको मुझे, तुम लोगों को मुझसे कभी बहुत तेज डांट पड़ गई है ना, तुम लोगों ने कुछ शैतानी करी, तुम लोगों ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तुमको जो पढ़ने को दिया था तुम पढ़ के नहीं आए, तो मैंने क्या किया,
मैंने तुम लोग को डांट लगा दी, डांट पड़ी है तुम लोगों मुझसे कि नहीं पड़ी है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कि कभी डांट पड़ी है अभी तक कि नहीं पड़ी है, जल्दी से बताओ। जो मेरे ब्रांच के स्टूडेंट्स है वो बता पाएंगे, वैसे यूजुअली आई डोंट स्कोल्ड माय स्टूडेंट्स, जल्दी डांटते नहीं है। अखिल सोए बंजुर गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जब आप किसी को फटकार लगा देते हो, डांट लगा देते हो, दैट इज बॉल आउट। ठीक है, एग्जांपल देखो, द डायरेक्टर बॉल्ड द सपोर्टिंग बॉल्ड आउट द सपोर्टिंग एक्टर्स आउट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्टर बॉल्ड द सपोर्टिंग एक्टर्स आउट। जो डायरेक्टर था मूवी का, इट्स नॉट डायरेक्टर, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डायरेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्टर था या डायरेक्टर था, उसने क्या किया, जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनको कस के फटकार लगा दी। ठीक मैम, आवाज बहुत तेज आ रही है, अरे क्या करो, वॉल्यूम कम कर लो। ठीक है, जीवन किशोर कह रही है टीचिंग इज गुड, थैंक यू सो मच अमित। ठीक है, तो डायरेक्टर ने क्या किया, डांट लगा दी। जैसे मैंने बोला कि प्रिया मैम बॉल आउट द स्टूडेंट्स फॉर नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट, प्रिया मैम ने फटकार लगाई स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट नहीं देने के लिए, है ना। देखो टेक और गिव, अब इंग्लिश में समझना, मैंने बोला फॉर नॉट टेकिंग टेस्ट, टेकिंग नहीं, गिविंग टेस्ट नहीं होता, टेकिंग टेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या कहा जाता है कि इंग्लिश में उल्टा होता है, जब स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट को टेक करते हैं और जो टीचर्स है वो टेस्ट को गिव करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट, टीचर्स गिव द टेस्ट। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रिया मैम बॉल आउट द स्टूडेंट्स फॉर नॉट टेकिंग एस टी, प्रिया मैम ने फटकार लगाई, डांट लगाई स्टूडेंट्स को एस टी ना देने के लिए। तो उसको देखो कैसे याद रखोगे, अभी इस पे ये कोकिला बहन गोपी बहू से क्या पूछ रही है, व्हाट कोकिला बहन इज आस्किंग टू गोपी बहू, कि कौन था रसोड़े में, कौन था, कौन था, तुम थी, मैं थी, या कौन था, हाँ कौन था, तुम थी, मैं थी, या कौन था, कौन था, जल्दी से बताओ कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये कोकिला बहन बेचारी गोपी बहू को क्या हमेशा फटकार लगा देती थी, डांट लगा देती थी। ठीक है, हमेशा डांट देती थी, फटकार लगा देती थी। ठीक है, ओवरवेल मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खुश हो जाना। ठीक है, जरूरत से ज्यादा खुश हो जाना, किसी बात के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल होना। आपने मुझे डांटा था लवली शर्मा सिंह, आपने मुझे डांटा था, अरे नहीं बेटिया, मैं लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं डांटती हूँ। ठीक है, आई विल गिव द टेस्ट, बिल्कुल यू विल टेक द टेस्ट, आप स्टूडेंट हो रितेश, यू विल टेक द टेस्ट। ठीक है, अच्छा, लव योर लेक्चर, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स। स्वाति शुक्ला सिंह, प्यार वाली पढ़ाई है मैम, बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी पढ़ाई है। चलो आ जाओ, रसोड़े में कौन था, तुम लोग बताओ कौन था। सुधा सिंह मैम राशि थी, विशाल गौतम कह रहे मैम राशि थी, हाँ राशि थी, राशि। ठीक है, चलो राशि बहन थी, आप थी, मैं नहीं थी, अरे मैम आप तो कैरेक्टर में चली गई, हाँ मैं कैरेक्टर में चली गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आपका बो आउट, नेक्स्ट क्या है आपका बो आउट, गोल्डी मसाला इज सेइंग मैम राशि थी, अनमोल तपादिया राशि थी, मैम हाउ आई इम्प्रूव माई कम्प्रिहेंशन पावर इन इंग्लिश प्लीज सजेस्ट अमित, देयर इज ओनली अ सिंगल वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स एंड दैट इज टू गो थ्रू द एडिटोरियल ऑन रेगुलर बेसिस, डेली डेली बेसिस पे एडिटोरियल देखो। अंकित सिंह रसोड़े में प्रिया मैम थी, तुमको तो खिड़की के नीचे सकाएंगे अंकित, हाँ मैं नहीं थी। चलो बो आउट मतलब क्या होता है, टू रिजाइन और लीव विथ वंस क्रेडिबिलिटी स्टिल इंटैक्ट, मतलब क्या, जब कोई कहीं से चला जाता है, रिजाइन कर देता है, इस्तीफा देता है या चला जाता है, पर फिर भी उसके जाने के बावजूद, उसके जाने के बावजूद क्या रहे, उसके जाने के बावजूद भी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो इमेज है, वो वैसे ही मेंटेन रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बो आउट, क्या कहते हैं उसको, बो आउट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या हुआ कि मान लो कि आपको कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक, अब उसमें क्या है, वो टीचर आपको पढ़ा रहा है पर वो टीचर कुछ दिन बाद ट्रांसफर होकर के कहीं और चला गया। ठीक है, अब वो या फिर वो टीचर वो जॉब छोड़ के कहीं और चला गया, अब भले ही वो टीचर चला गया है ट्रांसफर होकर, या वो टीचर चला गया है वहां से रिजाइन करके, पर फिर भी उस टीचर की जो वैल्यू है, उसके जो पढ़ाने का अप्रिसिएशन है, उसके उस टीचर का जो जिक्र है, वो अभी भी टीचर बच्चों के बीच में मेंटेन है, अभी भी बच्चे उस टीचर को उतने ही प्यार से, उतने ही दिल से याद करते हैं, उतना ही ज्यादा इज्जत, उतना ही ज्यादा मानते हैं जितना वो पहले माना करते थे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बो आउट कहते हैं। सिद्धार्थ सिंह रसोड़े में कौन था, तुम थी, मैं थी, या कौन था, अरे पिटाई खाओगे सिद्धार्थ, नो मैम मुझे नहीं पड़ी है, क्या नहीं पड़ी है, वन मॉर्निंग अ गर्ल स्टार्टेड वीपिंग बिकॉज मैम हैड रिब्यूक्ड हर, अरे नहीं ऐसा नहीं है अनिवास दास, आई नेवर डिड दिस, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, ज़ारा वसीम बोट आउट द बॉलीवुड इंडस्ट्री फॉर अ पर्सनल रिलीजियस बिलीफ, देखो आपने वो मूवी देखी होगी सुपरस्टार, क्या थी, सीक्रेट सुपरस्टार है ना, हाँ सीक्रेट सुपरस्टार में जो एक्ट्रेस थी ना, दैट वॉज हर ओनली ज़ारा वसीम थी, इन्होंने क्या किया, इनका ऑल्दो हर परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड, मैम आप ये एडिटोरियल पढ़ाना हमेशा, हाँ मैं ही एडिटोरियल पढ़ाती हूँ, हमेशा मैं ही पढ़ाऊंगी, परेशान मत हो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि यार दो शी इज रियली वेरी टैलेंटेड एक्टर, वो बहुत टैलेंटेड है, फिर भी उनको ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी, क्यों, क्योंकि उनके पर्सनल रिलीजियस बिलीफ से, एज शी बिलोंग्स फ्रॉम अ
लाइक इस्लाम कम्युनिटी, तो ऐसे नहीं कि इस्लाम कम्युनिटी के लोग मूवीज में आते नहीं, बट ठीक है पर्सनल, सबका अपना परसेप्शन होता है, तो उनको ये जो इंडस्ट्री थी वो छोड़नी पड़ी, ठीक है। एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर डिसीजन, वी मस्ट रिस्पेक्ट दी परसेप्शन, हर रिलीजियस बिलीफ, किसी भी व्यक्ति के रिलीजियस बिलीफ को क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। श्रेया गुप्ता इज आस्किंग, मैम आफ्टर यू वेंट टू लॉकडाउन देन यू ऑल्सो योर क्रेडिबिलिटी रिटेन्ड इन वाराणसी, थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच श्रेया। कह रही मैम आप भले ही लॉकडाउन के बाद लखनऊ चली गई हैं, पर अभी भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी भी मेंटेन है वाराणसी ब्रांच में, आई ऑल्सो मिस ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बोर्ड मतलब क्या होता है, कहीं से आप भले ही कोई चला गया, उसने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, पर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है, वो अभी भी वहां पे मेंटेन है, ठीक है। ज़ारा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ दिया अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीफ की वजह से, सो आई डोंट नो व्हाई बट आई फाउंड हर सो क्यूट, वो मुझे इतनी क्यूट सी लगती हैं ये, कि मुझे मन ही नहीं किया इनके ऊपर कोई मीम बनाने का, है ना, मतलब मुझे बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं इनके ऊपर मीम बनाऊँ, ठीक। चलो जल्दी से फटाफट से सेशन को, इतना पढ़ चुके हो तो जल्दी से लाइक करो और शेयर करो, फटाफट से लाइक और शेयर करो जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो आदर्श कह रहे हैं सिंजो 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 क्या प्रिया प्रियंका प्रजापति, हेलो मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दानिश कह रहे हैं शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान इज माय ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। चलो मैम फरुखाबाद ब्रांच में आइए, जरूर आएंगे कभी, हर फैमिली रिस्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। रितेश चलो नेक्स्ट इज बूटा, बूटा मतलब अच्छा देखो तुमने मोबाइल में एक ऑप्शन आता है रिबूट का, रिबूट का ऑप्शन आता होगा, तुम्हारे लैपटॉप वगैरह में भी आता होगा बूट आपका, लखनऊ में किसी ब्रांच में हो आप नहीं, करंटली आई एम एट यूट्यूब, है ना, मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आपसे, बूट अप आपने रिबूट का ऑप्शन आपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा, यू हैव सीन दी रिबूट और बूटिंग ऑप्शन इन योर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, ठीक है, वहां पे भी देखा होगा, ठीक। तो बूट अप मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट और यूजिंग इट्स बूटस्ट्रैप प्रोसीजर, किसी चीज को दोबारा से यूज करना, शुरू करना, या फिर क्या दोबारा से उसको चीज को स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, बूट अप कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, इट टेक्स अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर द कंप्यूटर टू बूट अप, जब भी आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, जैसे द वेरी एप्ट मोबाइल एप्ट एग्जाम्पल फॉर बूट अप इज योर मॉडम, जब आप अपना ब्रॉडबैंड का मॉडम ऑफ कर देते हो तो उसको रीस्टार्ट होने में, प्रॉपर स्टेबल होने में टेक्स लाइक 4 to 5 minutes, है ना, 4 to 5 minutes लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, बूट अप कहते हैं, ठीक। अच्छा लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अच्छा देखो दिस बूट अप इज नॉट ओनली फॉर गैजेट्स, लाइक यू कैन ऑल्सो दिस फ्रेजल वर्क फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टेट एन एग्जाम्पल मैंने ला कि नो मैटर, या फिर मैंने कह लिया आपसे कि फाइन आई अग्री दैट यू इन द पास्ट डेज यू आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस और यू वर इमोशनली टॉर्चर्ड, बट नो वरीज यू मस्ट बूट अप योर प्रिपरेशन वंस अगेन। मैं समझ रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुम फाइनेंशियली आर्थिक रूप से परेशान थे, तुम इमोशनली परेशान थे, बट फिर भी तुमको बूट अप करना चाहिए, एक बार अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। रिबूट इज रिफ्रेशिंग इन, हाँ मैम आप वाराणसी ब्रांच में नहीं पढ़ाएंगी क्या अब, अरे आशीष मैं तो देखो अभी भी पढ़ा रही हूँ वाराणसी ब्रांच में, देखो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, तुम लोग को पढ़ा रही हूँ कि नहीं। द सीक्रेट द सेक्रेटरी बूट अप बूट आउट ड्यू टू हिज बैड परफॉर्मेंस, बूट आउट, ठीक है, दैट इज बूट आउट, है ना, यहाँ पे आपका बूट अप है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ रीस्टार्ट करना, तो मैंने बोला कि स्टूडेंट्स आई नो यू वर इमोशनली और फाइनेंशियली टॉर्चर्ड ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, बट यू ऑल मस्ट बूट अप योर प्रिपरेशन वंस अगेन। एसएससी स्टूडेंट्स आई नो, रेलवे स्टूडेंट्स एसएससी स्टूडेंट्स आई नो दैट यू पीपल आर वेरी डिसहार्टेंड, यू पीपल आर डिप्रेस बिकॉज ऑफ वट एसएससी हैज डन विद यू, बट नो मैटर वट हैपेंड यू मस्ट बूट अप योर प्रिपरेशन वंस अगेन। मुझे पता है कि एसएससी और बैंक स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा गलत हुआ है, बट फिर भी आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है फिर से शुरू करनी चाहिए, बूट अप करनी चाहिए, ठीक। इतना समझ पा रहे हो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज आपका ब्रिंग ऑफ, नेक्स्ट क्या है आपका ब्रिंग ऑफ है, ब्रिंग ऑफ मतलब क्या होता है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग कंसीडर टू बी वेरी डिफिकल्ट, कुछ ऐसे काम को करने में सफल हो जाना जिसके लिए क्या जिसको करना या फिर जो काम कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएएस की एग्जाम है ना, आईएएस के लोग कहते हैं प्रिपरेशन बड़ी टफ है, ये है वो है वो है, फिर भी जब कोई आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, मतलब क्या चीज डिफिकल्ट थी, आईएएस को क्वालिफाई करना डिफिकल्ट था, फिर भी दैट पर्टिकुलर पर्सन मेड इट हैपन, उसने उस व्यक्ति ने क्या किया, उस काम को कर लिया, उस व्यक्ति ने फिर से वो चीज जो थी उसको मतलब पूरी अचीव कर ली, वो आईएएस बनने में सक्सेस रहा, है ना। तो जब किसी डिफिकल्ट काम को करने में आप सक्सेस हो जाते हो, सक्सीड कर लेते हो, सो दैट इज कॉल्ड ब्रिंग ऑफ, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्रिंग ऑफ कहते हैं। सीजीएल के लिए भी है क्या मैम, हाँ बिल्कुल, अरे देखो फ्रेजल वर्ब आपका
सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो, मतलब एसएससी तो वही हो गया आपका, फिर आपका एलआईसी है, ए हो, डबल ए हो, जो भी है वहां पे सब में ये सब आता है, वहां पे सारी चीजें आती हैं। ब्रिंग ऑफ आफ्टर फेलियर डोंट डिसअपॉइंट, बूट अप योर प्रिपरेशन एग्जाम, वेरी गुड गुरप्रीत, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर एग्जांपल। चलो तो ब्रिंग ऑफ क्या है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग कंसीडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट, कुछ ऐसा काम करने में सफल हो जाना जो बहुत ही असंभव सा या बहुत ही मुश्किल था करने के लिए। एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट बट टीम स्पिरिट ब्रॉट इट ऑफ। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने क्या कहा कि मुश्किल था वो करना, वो या फिर वो मैच जीतना क्या था, मुश्किल था, पर फिर भी जो टीम स्पिरिट थी, हमारी टीम ने मिलकर के काम किया और हम लोग उसमें अच्छी, हम लोग क्या हो गए, हम लोग उस काम को करने में सफल हो गए। वो काम, वो खेल मुश्किल था, पर फिर भी हम लोग उस काम को, उस खेल को जीतने में सफल हो गए। मी आफ्टर 11 AM, अभी ना जाओ छोड़ के। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, आदर्श ने बोला ना जब आप 11 बजे आपकी क्लास खत्म होती है तो मैं कहता हूँ अभी ना जाओ छोड़ के। ठीक है, अनुज भरद्वाज कह रहे हैं बेस्ट एग्जाम्पल, तो इस पे देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है कि फाइनली कोरोना गॉन, जब हमारे देश से जिस दिन कोरोना फाइनली चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ दूसरे देश वाले क्या बोले इंडिया के लिए कि अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं है ना, कि अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब फाइनली हमारे देश से कोरोना चला जाएगा, फिर भी कुछ कंट्रीज इंडिया के लिए यही बनाएंगी कि अभी ना जाओ छोड़ कर कि ये दिल अभी भरा नहीं, तुम लोग भी अभी ना जाओ। विकास पटेल सिंह, आई एम बैक प्रिया मैम, आपको बहुत मिस करता था, आज लाइव क्लास देख रहा हूँ, क्या बात है विकास है, वेलकम इन टू माई सेशन। दानिश कह रहे हैं मैं आपसे 11 AM, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। अंकित कह रही मैम फ्रेजल वर्ब में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फ्रेजल वर्ब देखो तुम्हारे या तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना बेटा, फिर ना ब्लैंक्स में आता है या फिर क्लोज स्ट्रेस में आता है, कभी कभी एरर डिटेक्शन में आ जाता है। जीवन कह रहे मैम ड्रिंक हॉट वाटर, ठीक, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से बता दो इतना समझ आ रहा है कि नहीं, यस या नो, अगर सेशन एकदम बढ़िया से चौकस लग रहा है तो जल्दी से क्या करो, सेशन को लाइक करो और फटाफट से अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, बताओ कि मैम पढ़ाती हैं 10 से 11, जरूर क्लास अटेंड किया करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से बताइए इतना समझ आ रहा है कि नहीं, फटाफट से बताओ Is everything is clear till now or not? अभी इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी फिर, है ना, आई वोंट प्रोसीड फर्दर इफ यू पीपल वोंट रिप्लाई वोंट कमेंट। आदर्श सिंह यस मैम, रेनु उज्ज्वल, विकास, जीवन, पलक, सुधा कुमारी, रितेश, अनुभरद्वाज कह रहे हैं मैम सब समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। मैम प्लीज बताइए इंग्लिश में प्रॉब्लम है, नंबर कम आ रहे हैं, ST दो, सिर्फ ST दो, है ना, और सेशन सुबह का रीडिंग एडिटोरियल सेशन जरूर करो, ये तो ग्रामर में पढ़ाई रही हूँ, एकदम चौका समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ठीक, अब देखो ये देखो, नेक्स्ट इज बक ऑफ। बक ऑफ क्या होता है, देखो बक ऑफ टू कॉज टू फॉल ऑफ, है ना, वो कारण बनना जिसकी वजह से तुम्हारा पतन शुरू हुआ, जिसकी वजह से तुम गिर गए, तुम्हारी डिग्रेड हुई, वैल्यू डिग्रेड हुई, तुम्हारी इमेज डिग्रेड हुई, ठीक है, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिग्रेड हुआ। ठीक, तो मैम पढ़ाती हैं 10 से 11, हाँ बिल्कुल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बक ऑफ कहते हैं। बक ऑफ इज बेसिकली व्हाट टू कॉज टू फॉल ऑफ, जब आपका स्टैंडर्ड या फिर आपके जो आपकी इमेज है वो गिर जाती है, उसको क्या कहते हैं, बक ऑफ कहते हैं। अंकित कह रहे हैं कि मैम फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन बताइए, अच्छा सुनो, टुमारो वी विल डू वन थिंग, आई विल ब्रिंग अ सेशन फॉर यू विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में फ्रेजल, ये तो फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हो पर फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, उसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक है, उसको कल समझेंगे पक्का। ठीक है अंकित, अभी सही है, इतने अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना मैम, बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, तो बक ऑफ हमें समझ के एग्जाम्पल देखा था, हॉर्स ट्राइड टू बक विजय ऑफ बट ही हेल्ड ऑन टाइट, जो घोड़ा था उसने क्या, उसने ट्राई किया कि विजय को वो गिरा दे अपने ऊपर से, पर विजय ने भी क्या उसको कस के पकड़ रखा था, टाइट से पकड़ रखा था, क्योंकि विजय ने सोचा था कि मैं विजय प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बक ऑफ है। बक ऑफ इज बेसिकली जब हम कहीं से गिर जाते हैं या फिर हमारी इमेज कहीं से गिर जाए, हमारी स्टैंडर्ड गिर जाए, ठीक है, कि हमने कुछ ऐसा काम किया, हमारी हरकतों की वजह से हम गिर जाए, तो उसको क्या कहते हैं, बक ऑफ कहते हैं। ठीक है, आप मैम कोचिंग जब खुलेगा प्लीज लखनऊ आलमबाग में पढ़ाइएगा प्लीज, आप अच्छे से बताती हैं, थैंक यू, ओके अमित, जैसा आप लोग कहेंगे। एग्जांपल देखो, अच्छा देखो जबरदस्त बता रहे हैं, दिस मेम आई हैव लिटरली, आई स्वेयर दिस मेम आई हैव नॉट टेकन फ्रॉम दी गूगल, मैंने गूगल से नहीं लिया है ये मीम, मैं पता है कल मैंने इसको देखा, मतलब ये ऐसी स्क्रॉल करते करते आई केम टू नो, और आई गेस समवन सेंड मी दिस, है ना, मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से
बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने सेंड भी किया था और फिर मैंने इसको थोड़ा देखने की कोशिश करी एंड आई फाउंड लाइक वेरी रिलेटेबल टॉपिक्स ऑन दी यूट्यूब. उसमें था क्या कि इंपॉर्टेंट तुम ये समझना पढ़ना जरा इसका जो इमेज के अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम एग्जाम 2020 करंट अफेयर. एक किसी ने वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पे जिसमें करंट जो आपके 2020 के आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का यूपीएससी का आईएएस एग्जाम है, उसमें करंट अफेयर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा. तो उसमें से एक टॉपिक ये था रिया चक्रवर्ती और आपका सुशांत सिंह का केस. ठीक है, मतलब यार दिस इज सो इलॉजिकल. कभी भी यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि सुशांत का मर्डर हुआ था कि सुसाइड किया था, रिया ने, रिया वेदर शी वाज विक्टिम और नॉट, वो मतलब वो कल्प्रिट थी कि नहीं थी, ये आपसे नहीं पूछेगा. ठीक है, तो इसमें ये क्या है, बक ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब इतना स्टैंडर्ड गिर गया है यूपीएससी एग्जाम का. मतलब सही बात है, इतना बक ऑफ हो गया है यूपीएससी एग्जाम का स्टैंडर्ड, इतना बक ऑफ हो गया है, इतना गिर गया है कि कुछ भी उसमें बक ऑफ, कुछ भी बकलोली, मतलब कुछ भी बेकार सी चीजें क्या बोली जा रही है. ठीक है, तो इतना स्टैंडर्ड गिर गया यूपीएससी एग्जाम का. यूपीएससी एग्जाम कभी भी ये नहीं करेगा, यूपीएससी एग्जाम कभी भी ये आपसे नहीं पूछेगा कि वेदर सुशांत सिंह वॉज मर्डर्ड और ही कमिटेड अ सुसाइड. बकवास सी बात थी. ठीक है, तो इसके लिए क्या थोड़ा रूड है, टू लास्ट ड्राफ्ट सॉरी हाँ मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. अरे गजल, मेरी क्वालिफिकेशन के बिना तुम पढ़ोगे नहीं क्या. हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन के बिना तुम नहीं. अरे वानमोल तपादे ने बता दिया, वेरी गुड, एमसीए किया है मैम ने. एग्जैक्टली, आई हैव डन एमसीए, मैंने एमसीए किया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ठीक, नेक्स्ट इज दिस वन. लास्ट टू ड्राफ्ट मैम थोड़ा रूड है. विच लास्ट टू ड्राफ्ट. ठीक, चलो सॉरी मैम लेट हो गए, कोई बात नहीं शिवम, इट हैपेंस, बी ऑन द टाइम फ्रॉम योर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट इज बकल डाउन. बकल डाउन मतलब क्या होता है, आज हम देखते हैं. बकल डाउन इज टू पुट फोर्थ द नीडेड एफर्ट्स टू फोकस, बिकम सीरियस, अप्लाई वन सेल्फ, एग्जाम्पल टू वर्क हार्ड. जब आप कहीं पे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत, अथक प्रयास करते हो कोई चीज अचीव करने के लिए, जब आप एकदम सीरियस जुट जाओ, है ना, बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत एफर्ट्स लगाओ अपने, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बकल डाउन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, बकल डाउन कहते हैं. ठीक है, कल की क्लास का क्या है दानिश. कल स्टूडेंट्स जैसा कि कह रहे हैं कि मैम फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आई एम प्लानिंग टू डिस्कस क्वेश्चंस विच विल बी प्रॉपरली बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स. इज इट ओके, आप लोग कल क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं फ्रेजल वर्ब के ये पढ़ना चाहोगे. अगर आपका टॉपिक यही है कल का, अगर आप फ्रेजल वर्ब से बने हुए क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि येस मैम वी आर रेडी फॉर क्वेश्चन सेशन. गुरप्रीत इज सेइंग यू नो दैट योर वे ऑफ टीचिंग में ये यो वे ऑफ टीचिंग में. ठीक है आशीष, बक ऑफ कर रहा ये बंदा कमेंट में, अरे बापरे. ठीक है, चलिए एग्जाम डेट जब आएगी पता चल जाएगा. ठीक है, तो देखो बकल डाउन क्या हो गया, जब हम किसी चीज के लिए when we put so much of efforts for a certain thing, when we focus on a certain thing, जब हम बहुत सारी चीजों के किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, इफ यू बकल डाउन एंड वर्क हार्ड यू विल श्योरली क्रैक द एग्जाम. अगर तुम बहुत ज्यादा करेक्ट, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करोगे, बकल डाउन करोगे, अगर तुम बहुत फोकस करोगे, कड़ी मेहनत करोगे अपने एग्जाम के लिए, और कड़ी मेहनत के साथ साथ तुम वर्क हार्ड, और मतलब देखो वट आई सिंपली थिंक कि अभी करेंटली अब जो सिनारियो चल रहा है उसमें स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. हार्ड वर्क से ज्यादा वॉट रिक्वायर्ड इज स्मार्ट वर्क, है ना. स्मार्ट वर्क इज मोर रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जामिनेशन दीज डेज. ठीक है, तो उसमें क्या है आपका, कहा जा रहा है कि अगर तुम बकल डाउन करोगे, फोकस करोगे और कड़ी मेहनत करोगे, तो तुम पक्का सी बात है, कंफर्म सी बात है, एग्जाम तो निकाल ले जाओगे. ठीक है, नीलिमा कह रही है यस मैम क्वेश्चन सेशन. सुधा गजराज एवरीवेयर इज सेइंग क्वेश्चन. ठीक है, सीजीएल में फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एक बार चेक कर लो तुम भी. ठीक, फ्रॉम 12th अक्टूबर से, बिल्कुल. तो इस पे ये क्या, देखो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं. तुम लोग भी पढ़ते हो, मुझे पता है, पर क्या पढ़ते हो तुम लोग, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हो, तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ते हो. मैसेज नहीं पढ़ना है लाल. ठीक है, क्या पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, अपना कंटेंट अपने एग्जाम का पढ़ना है. ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी से नेक्स्ट आ जाओ. बगर अप क्या होता है. बगर अप मतलब टू ब्रेक और स्पॉइल समथिंग और मेक इट इनऑपरेटिव और यूजलेस. जब आप किसी चीज को एकदम खराब कर देते हो, यूजलेस कर देते हो, स्पॉइल कर देते हो, बर्बाद कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बगर अप कहते हैं. क्या कहते हैं, बगर अप कहते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बगर अप द सुडोको एंड नाउ आई कैनॉट फिनिश इट. मैंने जो सुडोको समझते हो ना, ऐसे आपका ये एक पजल टाइप आती है न्यूज़पेपर में, ऐसे कॉलम्स बने रहते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं, उसको आपको क्या करना होता है, मिसिंग नंबर्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है ना. तो उस पर क्या कहा जा रहा है,
कि अगर मतलब तुमने, अब मैंने क्या किया, मैंने जो पजल थी उसको, जो सुडोको की पजल थी उसको पूरा खराब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया, और अब मैं उसको बना भी नहीं पा रहा हूँ, अब तो मैं उसको बना भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम, टेलीग्राम देखो येलो कलर बॉक्स में आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम, वहां पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है इसका, वो चीज खराब कर दी, स्पॉइल कर दी। सम पीपल ट्राई टू बगर अप द सेशन, कुछ लोग बगर सेशन को बगर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे है ना, वैसे तो ऐसे को होता नहीं है, सब बच्चे मेरे अच्छे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि डोंट कॉल योरसेल्फ अ लैपटॉप स्पेशलिस्ट इफ यू डोंट नो दिस लैपटॉप क्लीनिंग ट्रिक ऑफ गोपी बहू। अपने आप को लैपटॉप का स्पेशलिस्ट मत कहो, अगर तुम इस गोपी बहू की लैपटॉप क्लीनिंग ट्रिक को नहीं जानते, इवन फिर तो मैं भी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। इवन आई हैव डन द एमसीए, आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बट फिर भी मैं भी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कंप्यूटर की। क्यों? क्योंकि मैं भी इस तरीके से तो कंप्यूटर को क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। आपको याद होगा, मतलब इफ यू आर फैमिली विद दिस, कि जब ये सीरियल आता था तो गोपी बहू व्हाट शी डिड, कि उन्होंने जो उनके हस्बैंड थे इनका लैपटॉप लिया और उसके ऊपर पूरा प्रॉपर सोप वगैरह लेकर के उसको मांज दिया है ना, मांज के पानी के नीचे ऐसे लगा करके धो दिया। तो शी स्पॉइल्ड एवरीथिंग, है ना, उसने क्या किया, बगर अप कर दिया। गोपी बहू स्पॉइल्ड द लैपटॉप, गोपी बहू बगर अप द लैपटॉप, उसने क्या कर दिया था, एकदम लैपटॉप को स्पॉइल कर दिया था, खराब कर दिया था, और क्या बना दिया था, यूजलेस बना दिया था। बेस्ट मी मैम जी के, मैम आप कोई टॉपिक बताओ जिसमें 20+ अटेम्प्ट कर सके, 20+ अटेम्प्ट कर सके, एक्टिव पैसिव पढ़ लो अगर तुम उसके हो तो, अगर तुम एसएससी के स्टूडेंट हो तो। अदरवाइज आई सजेस्ट गो फॉर रीडिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन आपको 90% मार्क्स दिलाता है। जल्दी से अगर सेशन में मजा आ रही है तो लाइक करो और शेयर करो, जल्दी जल्दी से, कंजूसी ना दिखाओ, लाइक शेयर में कंजूसी नहीं, मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं दिखाती हूँ ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। बम्प इन टू, वट इज द मीनिंग ऑफ बम्प इन टू, मतलब टू कोलाइड विद, जब आप किसी से कोलाइड हो जाते हो, लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो आपस में जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बम्प इन टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बम्प इन टू कहते हैं। हु आर बगरिंग अप द सेशन, दे वॉन्ट बी एबल टू बकल डाउन, ट्राई टू यूटिलाइज दीज वर्ड्स। क्या बात है स्वप्निल, आई एम सो प्राउड, यू हैव क्रिएटेड द सेंटेंस सो परफेक्टली। हाँ, साबुन से धुल दिया था, ठीक है, तो इसको आपका बम्प इन टू क्या है, टू कोलाइड, कहीं पर लड़ जाना, भिड़ जाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, शिवानी bumped into the wall. I guess that is the reason you take when that is a risk you take when you use smartphone while walking, है ना। शिवानी क्या ऐसे लड़ गई, दीवार से जाके कोलाइड हो गई, bump into हो गई, भिड़ गई, क्यों? क्योंकि और यही रीजन है, यही जो रिस्क है, ये तुम रिस्क उठाते हो कब, जब तुम चलते चलते मोबाइल फोन का यूज करते हो। सी आई हैव सीन मेनी पीपल, मतलब आई केम टू नो सो मेनी इंसिडेंट्स ऑल्सो, कि ऐसे लोग सेल्फी ले रहे थे एंड दे फॉल डाउन फ्रॉम द माउंटेन और समवेयर, है ना, वैसे माउंटेन से गिर पड़े, पहाड़ से गिर पड़े, रेलिंग के साइड से गिर पड़े, इतना भी क्या मस्त हो जाना सेल्फी लेन में। वैसे आई हैव सीन मेनी पीपल रोड क्रॉस करते हैं और ऐसे मोबाइल चलाते चलाते करते हैं। तुमको मोबाइल चलाना है, तुम चलाओ, माना तुम्हारी जिंदगी नहीं सेफ होगी, पर भैया जिसकी गाड़ी से तुम भिड़ोगे तो वो तो अपने आप को पछताएगा ना कि मेरी ही गाड़ी मिली थी तुमको सामने आने के लिए। तुमको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, पर लेकिन प्लीज दूसरे का सोच करके एटलीस्ट मोबाइल मत चलाया करो रोड क्रॉस करते करते, अपने पेरेंट्स का ही सोच लिया करो, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो टू कोलाइड क्या है, शिवानी लड़ गई दीवार से जा करके, बम्प इनटू हो गई, और यही वो रिस्क होता है जो तुम उठाते हो अपना ही मोबाइल फोन यूज करते करते, ठीक है। तो इस पे देखो, इस पे ये क्या कह रहा है, इस पे ही सेइंग लेट मी थिंक हाउ टू डिस्ट्रॉय नोकिया फोन। पहले नोकिया के मोबाइल्स आते थे ना, बड़े मजबूत होते थे, गिर जाता था तब भी कुछ नहीं होता था, व्हेन आई वाज अ किड, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि चलो मुझे सोचने दो नोकिया को मोबाइल मैं कैसे डिस्ट्रॉय करूं, तो पुट इट ऑन अ रेलवे ट्रैक। तो उसने क्या सोचा कि अच्छा उसको ऐसा करते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर रख देते हैं। अब देखो जब नोकिया के मोबाइल को रेलवे ट्रैक पे रखा तो क्या हुआ, मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। व्हाट हैव आई डन, मतलब मैंने क्या कर दिया, कह रहे व्हाट हैव डन, मोबाइल को तो कुछ नहीं हुआ, ये ट्रेन पूरी पलट गई, ट्रेन पलट गई, मतलब जब मोबाइल नोकिया का मोबाइल फोन और जो ट्रेन है वो आपस में कोलाइड हुए, लड़े, तो नोकिया के मोबाइल फोन को कुछ नहीं हुआ, इतना मजबूत था, पर ट्रेन पूरी पलट गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका बम्प इनटू हो गया, ठीक है। आदर्श कह रहे हैं शिवानी को हॉस्पिटल ले जाओ, कैरी बॉस हेलो कैसे हो भैया, कैसे मजाज, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आपका बर्स्ट आउट। बर्स्ट आउट क्या होता है, टू स्केप फ्रॉम, कहीं से भाग जाना, चुपके से निकल जाना, है ना। बेसिकली इसी बर्स्ट आउट यू यूज, और द टर्म यू यूज फॉर स्केपिंग, है ना, स्केपिंग मतलब क्या होता है, इलोप होने के लिए, कहीं पे इलोप होने के लिए, इलोप क्या है, कहीं से चुपके से भाग करके निकल जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बस्ट आउट कहते हैं। मैम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये फ्रेजल वर्ब, अभी करा देंगे। देखो फ्रेजल वर्ब की देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, 100, 150, 1000 जितना पढ़ो, पर तुम्हें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बस्ट आउट इज वॉट, कहीं से चुपके से भाग के निकल जाना। एग्जाम्पल देखिएगा, द प्रिजनर बस्टेड आउट ऑफ द प्रिजन, जो प्रिजनर था, जो कैदी था, वो क्या
चुपके से बस्ट आउट कर गया, भाग गया कहां से, कैद से, जेल से, ठीक है। जो प्रिजनर था वो चुपके से भाग गया जेल से, ठीक। तो एग्जांपल देखो इसपे क्या कह रहे हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि 11 मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वो कहीं से भी चुपके से बस्ट आउट कर सकते हैं। डॉन कैन बस्ट आउट फ्रॉम एनीवेयर, डॉन जो है वो कहीं से भी बस्ट आउट कर सकता है, कहीं से चुपके से भाग करके निकल सकते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी से बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ एस्केप हो जाना, ठीक है। आदर्श कह रहे हैं क्लास से भाग जाना, अच्छा भाग के दिखाओ, क्लास से भाग के दिखाओ, जल्दी से भाग के दिखाओ, फटाफट से सेशन को लाइक करते चलिए, जल्दी जल्दी से लाइक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, आगे आ जाओ। बाय इनटू मतलब क्या होता है, बिलीव एक्सेप्ट अ क्रेज और फैड, फैड फॉर मतलब, फैड मतलब पता है क्या होता है, फैशन होता है, फैड इज व्हाट, फैशन, फैशन, ठीक है। कहते नहीं हो दिस ट्रैश जैकेट इज इन फैड दीज डेज, या द डैमेज डेनिम इज इन फैड दीज डेज। जो डैमेज डेनिम होती है, डैमेज जीन्स होती है, वो आजकल क्या है, फैड में है, फैशन में है, ठीक है। तो बाय इनटू क्या है, किसी के ऊपर भरोसा करना, बिलीव करना, या किसी को एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि आपको पता है कि वो जो चीज़ है वो वैलिड है, उसकी ऑथेंटिसिटी है मार्केट में, वो आपके साथ क्या करेगा, आपके साथ दगाबाजी नहीं करेगा, ठीक है। सो आई डोंट बाय इनटू ऑल दिस प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा मतलब क्या, बातचीत स्ट्रैटेजी जो होती है, ठीक है। तो बोलना आई डोंट बाय इनटू, डोंट लगा दिया, नेगेटिव बन गया है ना, मतलब मैं इन सारे प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं इन सारे प्रोपेगेंडा में आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस प्रोपेगेंडा, ठीक है। हाँ मैम आपकी क्लास से कोई भागेगा ही नहीं, हाँ क्या बात है, तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, योर लेक्चर इज टू स्मूथ, थैंक यू सो मच, हाँ न्या, ठीक है मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच लवली, लवली तुम्हारा नाम भी लवली है, तुम्हारे कमेंट भी लवली है, ठीक है। तो बाय इनटू क्या हो गया बच्चे, जब हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, मैंने बोला कि आई विल बाय इनटू दिस ब्रांड बिकॉज इट हैज सम ऑथेंटिसिटी इन द मार्केट, मैं इस ब्रांड के ऊपर भरोसा करती हूँ क्योंकि इस मार्केट की एक अलग इमेज, एक अलग ऑथेंटिसिटी है बाजार में, ठीक है। थैंक यू मैम यू रिमेम्बरिंग मी टू ड्रिंक वाटर टाइम टू नाइन, रविचंद्र कह रहे हैं मैम आप मुझे याद दिलाती रहती, पानी पीना चाहिए, पानी, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि आई बिलीव इन यू, यू कैन नॉट, यू गॉट दिस, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू पीपल, यू गॉट दिस, आई बाय इन टू यू पीपल दैट यू विल लाइक द सेशन, मैं भरोसा करती हूँ तुम लोगों को, तुम लोग सेशन लाइक कर दोगे। चलो जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट, बाय अप, बाय अप मतलब क्या होता है, टू बाय द होल ऑफ और द टोटालिटी ऑफ समथिंग, जब आप कुछ पूरी की पूरी चीज उठा करके खरीद डालते हो, एक टोकरी में आम बिक रहा है तुमने पूरी टोकरी खरीद डाली है ना, कहीं प्लॉट बिक रहा है तुमने पूरा प्लॉट 3000 स्क्वायर फुट का खरीद डाला, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बाय अप कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको बाय अप कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, द मार्शलैंड वॉज बॉट अप बाय अ हाउसिंग कंपनी, जो मार्शलैंड थी वो खरीद ली गई किसके द्वारा, एक हाउसिंग कंपनी के द्वारा, जो मार्शलैंड थी वो किसके द्वारा खरीद ली गई, एक हाउसिंग कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो इस पे, आपको पता है ये क्या है, ये अंबानी जी का घर है, मिस्टर अंबानी का घर है, मुकेश अंबानी का है ना, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर है, इसको बाय अप कर लो, मतलब इसको खरीद लो पूरा का पूरा, तुम लोगों को पैसे की कमी थोड़ी है, पूरा का पूरा खरीद लो, है ना। तो ये क्या है, अंबानी हाउस है, इसको यू पीपल विल बाय अप अंबानी हाउस, है ना। आई विश दैट यू पीपल सम वे बाय अप द अंबानी हाउस, ठीक है। आप कभी क्या करो, आप कभी पूरा अंबानी हाउस खरीद लो, पूरा का पूरा अंबानी हाउस बाय अप कर लो, खरीद लो, ठीक है, बाय अप कहते हैं। हाँ हेलो गाइज वेलकम बैक, आई एम बैक। गार्ड ने बाहर ही नहीं जाने दिया, गार्ड ने बाहर नहीं जाने दिया कि तुम बाहर नहीं जा पाए, जल्दी से ये बताओ, गार्ड ने नहीं जाने दिया कि तुम लोग बाहर नहीं जा पाए सेशन छोड़ के। चलो नेक्स्ट इज आपका क्रेव अप, क्रेव अप मतलब क्या होता है, टू डिवाइड डिसमेंबर सेपरेट इनटू पार्ट्स, जब आप किसी को बांट देते हो टुकड़ों में, या कहीं पे पता है क्या, जैसे कि हमने बोला आपने कहीं पे, जैसे ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे ना, इंडियंस के बीच में फूट डालते थे और क्रेव अप कर देते थे, सबको डिवाइड कर देते थे, डिसमेंबर कर देते थे, अलग अलग कर देते थे। तो किसी को अलग अलग कर देना, उसमें डिवाइड कर देना, फूट डाल के अलग अलग कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेव अप कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेव अप कहते हैं। द ब्रिटिश क्रेव अप द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर वन के बाद में क्रेव्ड अप कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। बाय अप अंबानी हाउस वेरी सून, क्या बात है रितेश, ठीक है। तो समझ पा रही हो कि नहीं, क्या होगा यहाँ पे, बाय अप मतलब क्या, क्रेव अप, सॉरी क्रेव अप आपका क्या होता है, व्हेन यू डिवाइड समवन, व्हेन यू डिसमेंबर पीपल, व्हेन यू सेपरेट समथिंग, है ना। जब आप किसी चीज को अलग कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, उसको क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं क्रेवअप कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ, तुम लोगों को मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती है? बस बोलते हो कि हाँ मैम जो आप बोलें वो अच्छा और जो ना बोलें वो और भी अच्छा, बस हाँ 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 करते चले जाते हो। जल्दी सच्ची सच्ची बताओ, ठीक है? चलो अभी इसमें एग्जाम्पल क्या है, कमौलिका, कमौलिका जानते हैं, कमौलिका ऐसे बोलती थी ना, तो इसमें ये क्या कह रही, व्हाट शी इज सेइंग, अनुराग को प्रेरणा से अलग तो मैं करूंगी, अनुराग को प्रेरणा से क्रेवअप तो मैं करूंगी। क्रेवअप मतलब क्या, अनुराग को प्रेरणा से दिस मेंबर सेपरेट अलग तो मैं करूंगी। कोमोलिका क्या करेगी, अनुराग को प्रेरणा से क्रेवअप कर देगी, सेपरेट कर देगी, ठीक है? चलो समझ पा, आई होप यू पीपल कैन रिलेट विद ऑल दिस थिंग, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होना आपको टीवी की भी जरूरी है। दो आई हार्डली वॉच टीवी, मैं बहुत ही कभी, मतलब शायद ही कभी टीवी देखती भी होगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है कि मैं बैठूँ टीवी देखने, बट स्टिल आई हैव दिस अपडेट, है ना, इतनी तो अपडेट रहती ही रहती है, क्या हो रहा है बाजार में, मार्केट में क्या चल रहा है, इतना पता रहता है। कमाल का वेरी नाइस, ये तो पक्का याद रहेगा मैम। हाँ बिल्कुल, काजल कह रही मैम ये तो बहुत याद रहेगा। सुनंदा पात्रा इज सेइंग मैम बहुत अच्छे से समझा, समझ आ रहा, मजा आ रहा, क्रेवअप 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 मैम, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं अलग करूंगी। आदर्श कह रहे कसौटी जिंदगी की, हाँ। चलो चौकअप क्या होता है, टू एट्रीब्यूट क्रेडिट और ब्लेम, जब आप किसी के ऊपर कोई ब्लेम इल्जाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, दैट इज कॉल्ड क्रेवअप, क्या कहते हैं उसको, सॉरी दैट इज कॉल्ड चौकअप, क्या कहते हैं उसको, चौकअप कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी ब्लेम समवन, व्हेन वी एट्रीब्यूट अ क्रेडिट समवन, दैट इज कॉल्ड क्रेवअप, चौकअप, सॉरी चौकअप, ठीक है। हाँ, ब्रिटिश क्रिएट अप इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिल्कुल, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया को बांट दिया था धर्म के, रिलीजन के बेसिस पे। मैम क्रेवअप होना है, अलग होना है, किससे अलग होना है, ठीक है। चलो आगे बात सुनो, एग्जाम्पल क्या कहा, चौकअप क्या है, ब्लेम करना, एग्जाम्पल क्या है, कंगना रनौत चौकड प्रिया चक्रवर्ती फॉर हर बैड बिहेवियर रिलेटेड टू द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। कंगना रनौत ने चौकअप किया रिया चक्रवर्ती को, ब्लेम किया रिया चक्रवर्ती को, किस चीज़ के लिए, कि रिया चक्रवर्ती का जो बहुत ही बुरा व्यवहार था सुशांत सिंह के साथ और उसकी मृत्यु को लेकर के, उसके उस वजह से, ठीक है। रेनू सिंह मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हाँ मजा आती है, थैंक यू सो मच रेनू, दैट सो काइंड ऑफ यू, ठीक है। तो चौकअप क्या है, टू ब्लेम समवन, सो करना कंगना रनौत शी बेसिकली ब्लेम्ड रिया चक्रवर्ती फॉर चॉकिंग अप रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ। कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को आरोपी इल्जाम दिया है, ब्लेम किया है कि उनका जो व्यवहार था सुशांत सिंह के साथ बहुत ही खराब था, ठीक है। तो इस पर ये वर्ड शी इज सेइंग कि सब रिया चक्रवर्ती का करा धरा है। कंगना रनौत क्या कह रही है, ब्लेम कर रही है, चौकअप कर रही है कि सबका सब रिया चक्रवर्ती का करा धरा है, ठीक है। So this is about today's session. This is my FB page. Join हो सकते हो, English by 20 underscore Upadhyay या प्रिया उपाध्याय से सर्च कर लेना, इंस्टा पे मिल जाएंगे। एंड इफ यू वॉन्ट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर प्लस मॉर्निंग एडिटोरियल लेक्चर, सुबह के एडिटोरियल लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, इस वाले लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, देन यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। डेली क्विज चाहिए, डेली पीडीएफ चाहिए, डाउट पूछना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करो, पर्सनली मैं रिवर्ट करती हूँ वहाँ पे। इंग्लिश बाय प्रिया और इंग्लिश बाय प्रिया उपाध्याय ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश का ई मेरे लाल मेरे दिल के टुकड़ों कैपिटल मत कर देना, एवरीथिंग इज इन स्मॉल, सब कुछ स्मॉल में है, ठीक है, बिना स्पेस किया कोई स्पेस नहीं होता है इन सब के, ठीक। और जाते जाते तुमने करना क्या है, जाते जाते यू आर सपोज टू फॉलो योर परम कर्तव्य, तुमको परम कर्तव्य निभाना है, क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, जल्दी से सेशन को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर तो जरूर करना है। इट वॉज लॉडेबल क्लास मैम, थैंक यू सो मच। अनिमास दास मैम यू आर अनडिफेटिकेबल, थैंक यू सो मच। अरे देश कह रही अभी ना जाओ मैम, ठीक है ना, आई विल पास SSC, सो आई विल चॉक अप टू यू। रितेश कह रहे हैं मैं SSC पास कर जाऊंगा तो उसका क्रेडिट मैं आपको दूंगा, थैंक यू सो मच, ठीक है, इट्स लाइक अ ह्यूज कमेंट, ठीक। अनु भारद्वाज कह रहे हैं मैम प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई करना है मुझे बता दो, आई विल रिवर्ट, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से पढ़ते रहना है। टुमारो वी विल मीट विथ द सेशन विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेशन और फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। देखो मैं उसमें नहीं बिलीव करती कि मैं वो पढ़ाऊँ जो मेरा मन है, मैं उस वाली फैकल्टी में नहीं हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगी जो मेरा मन है वही पढ़ाऊँगी, नहीं, मैं वो पढ़ाऊँगी जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्रिपरेशन मेरे स्टूडेंट्स को करनी है, पढ़ना मेरे स्टूडेंट्स को है, सिलेक्शन मेरे स्टूडेंट्स का होना है, तो फिर मैं पढ़ाऊंगी भी वही जो तुम लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने से ज्यादा घर वालों का। स्टे कनेक्टेड विद प्रिया मैम, स्टे कनेक्टेड।